भी सीखा है कि कैसे वॉश अपने आप में एक बहुत बड़ा इमरजेंसी है, मेल फीमेल बच्चों को भी लेकर के, डिसेबल्ड को भी लेकर के कैसे करते हैं। तो अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो ओवरऑल जिस हिसाब से पूरा सिनारियो बन रहा बदल रहा है देश का, कभी भी फ्लड आ जा रहे हैं, कभी भी कोई साइक्लोन वोल्केनोज इस तरीके से हो रहे हैं, तो वी हैव टू बी ऑन आवर टो कि किसी भी वक्त कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। कोऑर्डिनेशन अगर नहीं हो पाएगा तो नीड्स कुछ और आएंगे, सामान कुछ और जाएगा, लोगों को कुछ और चाहिए होगा, तो वहाँ पे लॉट्स ऑफ केओस भी हो सकता है। व्हेन यू आर इंटरवीनिंग और रेस्पॉन्सिंग द इमरजेंसीज, देयर आर मेनी एट टाइम्स दैट पीपल आर कन्फ्यूज विद ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच एंड ऑल्सो डेवलपमेंट अप्रोच। सो आई थिंक दिस ट्रेनिंग as a person, I think it is very important because there are more clarity on, you know, the concept and the charter of humanitarian approach. Community preparedness and the integration of different stakeholders, and also taking the all the stakeholders ideas and their resources and their perspectives will definitely achieve these kind of activities. And if you will not take the partnership and the ownerships of the community, then it is very difficult. जिंदगी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि सेविंग लाइफ। यहाँ आप कैसे इमरजेंसी सिचुएशन में, चाहे तो वो मैन मेड हो या नेचुरल डिज़ास्टर हो, कोई वायलेंस हो, कोई भी चीज़ हो, अगर ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ रहा है तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे और लोगों की जान कैसे बचाएंगे। बिफोर दिस ट्रेनिंग आई वॉज सिंपली अ ह्यूमन बींग, बट ICRC हैज़ कन्वर्टेड मी एज अ ह्यूमैनिटेरियन।